हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स में अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे देख सकते हैं कुछ वीडियो और अच्छे कंटेंट साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क की पार्ट टू की टाइप नंबर टू दी गई है, जो छात्र और सैनिकों पर आधारित सवाल होंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इस टाइप में होंगे, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 18 व्यक्ति किसी कार्य को 22 दिन में कर सकते हैं, 7 दिन बाद 12 व्यक्ति और आते हैं, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सेशन 2022 का सवाल दिया गया है। 18 मैन कैन डू वर्क इन 22 डेज आफ्टर 7 डेज एडेड टू 12 मैन मोर, इनका फाइंड द रिमेनिंग वर्क इन कंप्लीट इट। इसने कहा जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में काम पूरा होगा, ये बताना है हमको। बहुत अच्छा सवाल देगा, सेशन 2022 का सवाल। आइए समझते हैं किस पर हम को कर। सबसे पहले दिया है 18 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हमारे पास 18 व्यक्ति मल्टीप्लाई करेंगे, किसी कार्य को 22 दिन में कर सकते हैं। ओके भाई जी, 22 दिन में कर दीजिए, 22 दिन यहाँ तक आपको समझ आया। 18 व्यक्ति है, किसी काम को कितने दिन में करें, 22 दिन में कर सकते हैं। 7 दिन बाद 12 व्यक्ति, कितने कह सकते हैं, 12 व्यक्ति और आते हैं, तो इसमें 7 दिन बाद, तो माइनस करेंगे 7 दिन बाद और 12 व्यक्ति और आते हैं। पहले कितने व्यक्ति थे हमारे पास, 18 व्यक्ति पहले थे हमारे पास, पहले कितने व्यक्ति थे हमारे पास, जो है पहले व्यक्ति थे 18, कितने व्यक्ति थे हमारे पास पहले 18 व्यक्ति थे, प्लस 12 व्यक्ति और आते हैं, तो प्लस के 12 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई में डी करेंगे तो डी। ओके भैया, कितना करेगा डे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में आते हैं, इसके बाद यहाँ तक इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको आसानी से। 18 मल्टीप्लाई 22 में 7 गए, कितने बच गए हमारे पास 15, इक्वल टू 18 12 कितने हो गए 30 हो गए, मल्टीप्लाई में होकर डी। अब क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी मोड है, क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी मोड में आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं किस प्रकार अगर सोल्यूशन हम किस करेंगे। हमको डी निकालना है, क्या निकालना है हमको डी निकालना है, तो 18 गुणा में 15 अपोन में करेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई में है 30, तो इस पर अपोन मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना डी। यहाँ तक आप पहुँचे, इतना आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा कट कर लेते हैं, थोड़ा कट भी कर लेते हैं, तो 15 से कितनी बार भैया 2 बार, 2 से भैया कितनी बार 9 बार, तो डी इजिकल टू जो फाइनल आंसर आया कितना है 9 डेज, कितना 9 डेज, इस क्वेश्चन ए फोर एप्पल इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो है 9, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। तो बहुत अच्छा सवाल था, आपने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को किया है, तो आप एक बार आपको मैं फिर से बताता हूँ किस प्रकार हमने क्वेश्चन किया है। 18 व्यक्ति थे, किसी कार्य को 22 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 7 दिन बाद 12 व्यक्ति और आते हैं, मतलब 7 दिन काम करने के बाद 7 दिन हमने काम किया, 22 का 18 व्यक्ति ने 7 दिन तक काम किया, सब 7 दिन के बाद 12 व्यक्ति और ऐड हो जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। जिसने कहा 18 गुणा 22 माइनस के साथ कम कर दिया, इसमें 18 प्लस 12 12 आदमी जुड़ के आते, 18 गुणा 15 एक काम था डी, तो 30 हो गए, 12 18 35 दिन, तो गुणा में डी, तो 18 गुणा 15 बटे 30, इससे 2 आगा, इससे 9 आगा, कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा, 9 दिन में जो है कार्य बहुत ही आसानी से समाप्त कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही आपने इजी मोड में इस क्वेश्चन को हल किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन बाद 6 व्यक्ति और रहते हैं, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सी अचल 2022 का सवाल दिया गया है। 20 मैन कैन डू वर्क इन 10 डेज आफ्टर 3 डेज एडेड 6 मैन मोर, फाइंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट, तो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में समाप्त होगा, हमको ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही आप इजी मोड में इस सवाल को कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कितने व्यक्ति थे हमारे पास, 20 व्यक्ति हमारे पास, कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 दिन में काम, इसके बाद रहता है 3 दिन बाद, कितने दिन बाद 3 दिन बाद, तो 10 में से 3 कम करेंगे हम, 3 दिन बाद होगा। 20 हमारे पास पहले ऑलरेडी व्यक्ति थे, उसके बाद 20 व्यक्ति हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास यहाँ पे कितने थे 20 व्यक्ति हमारे पास थे, तो 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, प्लस के कितने 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो मंडी पर आएगा डी। यहाँ तक पहुँचे हम, इसके बाद थोड़ा उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या निकलेगा देखते हैं। 20 मल्टीप्लाई में 7 इजकल टू कितना 26 और गुणा में कितना डी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी इजकल टू 20 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 26। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, आप यहाँ तक तो आप यहाँ पर पहुँच चुके होंगे, बहुत अच्छे से बताएगा मैंने आपको यहाँ पर, बहुत ईजी मोड में यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम थोड़ा कट टर्म कर लेते हैं, 10 से
दो से 18 बार, दो से कितनी बार 13 बार, कितना होगा 70/13, कितना होगा 70/13 हो चुका है। तो इसको थोड़ा हम कट करेंगे, 13×5 65 बच कितना का हमारे पास 5, कितना आएगा 13। वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी मोड है, बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ पाएंगे। बिल्कुल अपडेट भी कंटेंट है आपको, जो 2022 में अपडेट कंटेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन के सेंस पर आपको निर्भर रहना है। बहुत अच्छा सवाल है, आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन इससे अधिक कुछ नहीं करना। तो अभी सीजल का एग्जाम होने वाला है, तो आपको रोज अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी नहीं है थोड़ी। अभी आपको 20-20 अब इंग्लिश में वर्ड याद कर रहे थे, अब 50-50 आपको वर्ड याद करने हैं डेली। तो आपको रिविजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितना ज़्यादा रिविजन करोगे आप उतना ज़्यादा आपको फायदा रहेगा भाई। रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिविजन नहीं कर पाओगे तो भाई कुछ नहीं होगा। कम से कम 130 नंबर जिसके मॉक टेस्ट में बने होंगे, 130-140 नंबर मॉक टेस्ट में बने जो जनरल कैटेगरी से वो क्वालिफाई कर सकता है एग्जाम प्री, उसका क्वालिफाई आसानी से हो जाएगा। तो वरना भाई इससे कम करो तो वह थोड़ी मेहनत करो, 7500 वैकेंसी है, थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम होगा। बहुत अच्छे तरीके से अगर मेहनत कर पाएंगे तो आप इनकम टैक्स है, टैक्स है, कोई भी एग्जाम आपको कोई भी पोस्ट मिलो तो आप आसानी से उसको ले लेना। अच्छी पोस्ट होगी इसमें, कोई भी बाई पोस्ट मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप जो है आसानी से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन को सोल्व कराया है, बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो अच्छे तरीके से करना भाई, पढ़ना है जरूर, अब की बार आपको मॉक टेस्ट निकालना है अच्छे से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी के लिए 50 दिन का भोजन उपलब्ध था, 10 दिन बाद विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? ए स्टूडेंट हॉस्टल एबल 200 स्टूडेंट इन 50 डेज फूड, आफ्टर 10 डेज 50 स्टूडेंट एडेड, मतलब जो 50 विद्यार्थी और आते हैं, हाउ मनी डेज इन रिमेनिंग फूड, जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा, ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, सीपीओ 2022 का सवाल दिया गया है, ठीक है, समझते हैं। कितना कहा, एक छात्रावास में कितने विद्यार्थी थे? 200 विद्यार्थी थे, 200। कितने 50 दिन का भोजन उपलब्ध था, कितने दिन का भोजन उपलब्ध था? 50। 10 दिन बाद 10 कितने विद्यार्थी आते हैं? 200 तो ऑलरेडी हमारे पास थे, प्लस कितने विद्यार्थी? 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो 250 हो गए, तो गुणा में कितना करेंगे? डी करेंगे। यहाँ तक का आपकी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है बनकर तैयार हो चुकी है, मतलब इस जो क्वेश्चन को है, जो हमने फॉर्म जो क्वेश्चन की जो फॉर्म है हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन करना है, क्या लिखेंगे हम? 200 गुणा कितना आएगा? 40 इक्वल टू कितना होगा? 250, और गुणा में कितना आएगा? डी आएगा। तो डी इक्वल टू निकालेंगे हम, 200 गुणा में 40 और बटे में कितना आ गया भैया यहाँ पे? 250। 10 से 10 कर दी, 25 से कितनी बार? 8 बार। यहाँ तक पहुँचे हम, 25 से 8 बार चला जाएगा, 225 से 200 होते हैं, यहाँ तक पहुँचे हम। तो 8 गुणा में 4 कितना हो गया? 32। A4 एप्पल इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर कितना आ चुका है? 32 इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आ चुका है। तो बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है, बहुत ही इजी मोड में। तो भाई पढ़ो, एक बार बता देता हूँ, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए कितने, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी के लिए 50 दिन का भोजन उपलब्ध था, 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और 50 में 10 40 बच गए, तो 200 प्लस 50 गुणा ऐड 40 गुणा 200 गुणा 40 गुणा 250 बटे में इतना होगा, तो 250/40 से कट के 8×4 कितना होगा? 32। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर कितना आ चुका भैया? 32 आ चुका। तो भैया आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सदी सदी बच्चे जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट का पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, बहुत ही ईजी मोड में। तो आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, 20 आदमी किसी का